खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। नेशनल हराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेटिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने और अग्निवीर योजना के खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। साथ ही कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के लगातार ये मामला गरमाता चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। इसी के साथ राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर के जो मामला है वो लगातार गरमाता चला जा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात जिसके एवज में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बाकायदा जो है बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेडिंग के बाद लगभग जो है आधे घंटे तक जो है उनका और पुलिस के बीच में जो है वो किसी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें ईडी द्वारा जो ज्ञापन सौंपना था उसको लेकर राजभवन से जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह जो है वो वहां पर पहुंचे और उनको जो है प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि जिस तरीके से ईडी द्वारा जो है उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जो है वो जबरन परेशान किया जा रहा है तो उसको लेकर जो है उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर जो है वो हंगामा मचा हुआ है तो उन्होंने ज्ञापन में ये भी बताया कि उन्होंने अग्निपथ योजना को जो है वो तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि किसी भी तरीके की जो घटनाएं जो है वो बढ़ रही है उन घटनाओं पर अंकुश लग सके। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने बैरिकेटिंग्स लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ईडी से और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के लगातार यहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है, आगे क्या कुछ रुख हो सकता है? देखिए, जिस दिन पूरे देश के अंदर ज्ञापन सौंपे गए थे जी, उस दिन हमारे हरियाणा के नेता दिल्ली में फंसे हुए थे जी। भूपेंद्र हुड्डा का आवास को पूरा घेर लिया गया था, दिल्ली से बाहर जब हमारे अध्यक्ष थे वो रहते हैं पलवल में, दिल्ली होकर ही तो जाएंगे चंडीगढ़, जाने नहीं दे रहे थे, चारों तरफ रास्ते जाम थे। तो जब आज स्थिति ठीक हुई तो आज हमने हरियाणा के अंदर आज ज्ञापन देने का फैसला कर लिया। उस दिन हमारी चंडीगढ़ यूनिट और पंजाब यूनिट ने दिया था। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपी जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद।
वंदना जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, ऐसे में जो कांग्रेसी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, जहां तक फंसाने की बात है, 2012 का केस है जी, और ये सीधा कोर्ट से केस आया था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। ईडी जो है स्वतंत्र अपने आप में संस्था है और उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है और यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। और जब आप सही हैं तो उसके बाद पूछताछ करने से क्या डर, वो समझ नहीं आता। 3 दिन तक जी, जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने बंधक बनाए रखा, लास्ट वाले डेज में तो इन्होंने फायर जलाए और जिस तरह की इन्होंने पुलिस पर अटैक किया, ये सब जो चीजें हो रही थी ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जी, अगर आप सही हैं तो आप कॉपरेट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, आपको सिर्फ अपने प्रश्नों का जवाब ही तो देना है। बिल्कुल, मुझे याद है जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको लगातार 2 दिन तक रोज किया ग्रिल किया गया था जी, और उन्होंने ये कहा कि बार बार ये कहा कि जल्दी से जल्दी आप जितना लगातार पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, बीच में ब्रेक मत दीजिए। तो यहाँ पर तो राहुल गांधी को बार बार बाहर आना पड़ता, पूछना पड़ता कि मैं आगे क्या बोलूं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि ये बार बार अपने जो प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न के उत्तर बदल रहे हैं, उसमें समय लग रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर कोर्ट या ईडी जो कि स्वतंत्र है, अगर वो कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। आज इनको याद आ रहा है, अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, बोल रहे थे कि दिल्ली पलवल से जाते हैं जी। दिल्ली पलवल से कब से जाने लगे? दिल्ली से चंडीगढ़ आप पलवल कहां से जाओगे? पलवल तो आता ही नहीं रास्ते में। दिल्ली से क्या कहा है मैडम, जरा सुन तो लीजिए क्या कहा है इनको मैडम को। जरा मैंने कहा पलवल में हमारे अध्यक्ष रहते हैं, वो दिल्ली होकर जाना पड़ता है चंडीगढ़, ये कहा है? कहा क्या है? 3 दिन से तो दिल्ली में ही थे। यही हम कह रहे हैं दिल्ली में थे, यही मैंने बताया है, यही मैंने बताया था दिल्ली में है। मैंने कौन सा कल तो मैंने भी यही कहा दिल्ली में थे, इसलिए उस दिल्ली में जाना पड़ता। वेद प्रकाश जी आसान सा सवाल, जब सही है तो विरोध किस चीज का और डर किस बात का? जवाब देने में क्या जा रहा है? जवाब दे रहे हैं, कौन डर रहा है? छाती ठोक कर जवाब दे रहे हैं, 3 दिन दिया 20 को फिर जाएंगे, छाती ठोक कर जा रहे हैं, छाती ठोक कर जाएंगे। पर भाजपा के सत्ता, भाजपा के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन है। जिस अधिकारी ने ये जांच शुरू की थी उसको इन्होंने एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया। अगर ये इतने ही सच्चे सुच्चे हैं, झूठे मुक्त में नहीं बनवा रहे, तो उस अधिकारी को एमएलए की टिकट क्यों दी थी? क्यों VRS दिलवाया था राजशेखर को? ये और जहां तक ईडी का मैंडेट ही नहीं है, ईडी का मैंडेट ही नहीं है सीधी जांच करने का। ठीक है, ईडी बगैर FIR के जांच ही नहीं कर सकता। ईडी को कोई भी जांच शुरू करने से पहले FIR देखनी पड़ती है, क्या पुलिस थाने में हो या सीबीआई में हो। देश में कहीं वंदना जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।